हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डिप्लोमा वालों के लिए एक न्यू अपडेट जारी किया गया है, एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जेईई एग्ज़ाम करवाया जाता है और रिक्रूटमेंट को लेके, तो इस बार एसएससी जेईई 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका या तो जो लोग अभी अपीयरिंग स्टूडेंट है तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन हुआ, कितना पोस्ट है, कितना फीस लगेगा, क्या क्या ज़रूरी है और इसका सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम को लेके, इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट इस वीडियो में आपको मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है इसमें। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या क्या है सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको ssc.nisi.in में आपको सर्च करना है, करने के बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं मिलता ये होम पेज का लिंक तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ओके। जब आप इस पर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा न्यू यूज़र। अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे फर्दर जो भी डिटेल्स इसमें मांगा जाता है, बेसिक डिटेल्स हुआ, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, मतलब ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर, आधार कार्ड का वगैरह ये सब टाइप ऑफ आईडी हुआ, नेम हुआ, फिर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपने मैट्रिकुलेशन कब किया है, कौन से ईयर में किया है, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर क्या है, आपने क्या किया है, आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, सब कुछ इसमें डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप आधार कार्ड वाला में अगर आप येस कर देते हो तो आपको आधार नंबर तो इसमें देते हैं देना ही होगा, और साथ में यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में कुछ डिटेल्स मांगा नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप येस करते हो। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में और भी एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, एम्प्लॉय आईडी हुआ, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड का हुआ, या तो वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके बाकी जो फर्दर और भी अदर जो आइडेंटिटी प्रूफ जो इसमें मांगा गया है ये सब आप इसमें डिटेल्स वगैरह भर सकते हो, ठीक है। करने के बाद फिर आपसे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह पूछे आएगा। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने बहुत पहले वाला 2-3 साल पहले से 4 साल पहले से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहले से एसएससी का रजिस्ट्रेशन है ना, अगर आपके पास एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहले से होता है ना, कि आपने इसके अलावा और भी आपने अप्लाई किया हुआ हो, CHSL हुआ हो या तो MTS हुआ हो, और भी अदर अदर कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था एसएससी में, तो आपने तो लॉगिन करके रखा था ना, आपने तो रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर और वही पासवर्ड से हो जाएगा अगर आपके पास पहले से है तो, ठीक है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आप नया बनवा लीजिए, और अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास है खुद का, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी पहले भरा था, 2-3 साल पहले का बात है, तो वो 2-3 साल पहले का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना उसी से मेरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना लॉगिन आई डी डाल देता हूँ। करने के बाद जब मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा, देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विसिंग सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट जो कि कास्ट से स्टार्ट हो चुका, 12 तारीख है ना आज, सॉरी 13 है, तो कल से स्टार्ट हो चुका था, और इसका जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर इसका लास्ट डेट अप टू 11 PM, ठीक है ना। एंड लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका बट उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो उनको 3 तारीख तक टाइम दिया गया है, या तो जिन्होंने चालान के थ्रू जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं मतलब पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी 3 तारीख तक दिया हुआ है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये सब आपका डिटेल्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चलान, अगर आप ऑफलाइन चलान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप अगर एप्लीकेशन स्टेटस भी देखना चाहते हो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ। जब यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह सब कुछ पहले से फिल्ड रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर सब कुछ पहले से फिल्ड रहता है, ओके। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मेरा पहले से सब कुछ फिलअप था मेरा, ओके। तो अब इसके बाद क्या होगा, सेंटर प्रेफरेंस मांगा जाएगा मेरे से। तो सेंटर प्रेफरेंस में मैं
अगर आपकी लोकेशन के हिसाब से जो आपका सामने पड़ता है वही आप दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा तो सामने जमशेदपुर पड़ता है, तो मैं जमशेदपुर दूंगा, सेकंड रांची एंड थर्ड में धनबाद, ओके। फिर आपसे यहाँ पूछेगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन, अगर आप के पेरेंट्स अगर एक सर्विस मैन है तो येस कर सकते हो, नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद पूछेगा पोस्ट, आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा, जैसे अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो तो सिविल में क्लिक कीजिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, या तो अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो मैकेनिकल में क्लिक कर दीजिएगा, ओके। तो फिर से यहाँ पे पूछाएगा मैकेनिकल, तो मैंने मैकेनिकल में क्लिक किया है। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में दे सकते हो, अगर आप कर कंप्लीट हो गया तो आप कर सकते हो, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है। सब्जेक्ट स्ट्रीम आपका क्या है, इसमें आप सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे मेरा मैकेनिकल था वो हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछाएगा स्टेटस में पास्ट है या अपीयरिंग, अगर आप पास्ट है तो पास्ट में क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा पासिंग ईयर, मैं अगर आपका पासिंग ईयर है तो आप पासिंग ईयर दे सकते हो, वो तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपसे बोर्ड वगैरह पूछा जाएगा किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया है, तो मैं यहाँ झारखंड दे देता हूँ। नेम ऑफ़ द बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछा जाएगा, तो 17-20 बैच का था तो मेरा SBT था, जो लोग उसके बाद 20 के बाद से जो लोग अभी है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास आउट किया तो उन लोगों का JOT हो जाएगा, हम लोगों का टाइम में SBT था तो मैं अपना SBT सेलेक्ट करूँगा, ओके। फिर यहाँ पर रोल नंबर परसेंटेज एंड CGPA वगैरह पूछा जाएगा, ओके। तो पूछने के बाद यहाँ पे आपसे और भी डिटेल्स वगैरह पूछेगा, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ DOPD, अगर हाँ तो येस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे तो एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया ही रहेगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछाएगा अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है, फोटो आपको अपलोड करना है, कम से कम 20 KB से 50 KB के अंडर होना चाहिए, और सिग्नेचर जो आपका हैंड रिटन सिग्नेचर होना चाहिए वो भी 10 से 20 KB तक होना ज़रूरी है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे वेदर ऑफ फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन ऑन और आफ्टर 12 May 2022, यहाँ पे पूछाएगा आपने जो फोटो लिया है वो आपने 12 May 2022 से पहले लिया है या 2000 बाद लिया, ठीक है। अगर पहले लिया हो तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन कर दीजिए, करने के बाद आई एग्री में क्लिक करके यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू में जाइएगा, प्रीव्यू में जाने का जो जो डिटेल्स है उसमें सारा कुछ दिखा देगा। करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा, तो आप अपना पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा। करने के बाद जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो डाउनलोड हो जाएगा, वो उसको आप अलग से अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।